दोस्तों वेलकम बैक टू बनो भोपाल की आवाज़। और जो दोस्त लोग आज पहली बार बनो भोपाल की आवाज़ पे मेरे को देख रहे हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे आदिल भाई का चैनल है ये, और आदिल भाई बहुत मानवीय शख्सियत हैं भोपाल के अंदर और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई तरह की अलग अलग प्रतिभाओं को लेकर आ रहे हैं। आज उसी श्रृंखला के अंदर हमारे साथ में लेके आए हम मोना भाई को। मोना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मोना भाई के बारे में थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा कि ये उम्र भी इनकी बहुत कम है। कितनी उम्र है? 17 साल। 17 साल है। आप देखिए बहुत छोटी उम्र, लेकिन जब आप कबूतर देखेंगे इनके तो आपको एक अलग ही एहसास होगा कि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतने बेहतरीन कबूतर रखना हंसी खेल नहीं होता, क्योंकि प्रतिभा जो होती है अपने आप बचपन से दिख जाती है। जो इन्होंने नस्ल बनाई है वो भी आप देखिएगा आज बनो भोपाल की आवाज़ के अंदर। और चलिए अब शुरुआत करते हो, तो आज पहली बार आप कौन से कबूतर दिखाएंगे? ललसरे कबूतर को शौक कराएंगे। ललसरे का कबूतर, तो जो ललसरे कबूतर का शौक होता है भोपाल के अंदर, ऐसी कोई छत नहीं है जहाँ पे ललसरे कबूतर आपको मौजूद ना मिले। तो हर छत पे आपको ललसरे मिलेंगे, लेकिन आज मोना भाई की छत पे जो ललसरे देखने को मिलेंगे उसमें आँख का जो असर होंगे वो अलग ही देखने को मिलेंगे। आप वाकई दिल खुश हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। चलिए मोना भाई दिखाइए, आप स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये पहला पेड़ देखिए मोना भाई, इसके बारे में कुछ बताएं। जी हमारे पास जितने भी हैं कागजी आँख में सब इसी की नस्ल है। सब सारे कबूतर जी। तो आज इस एक जोड़े की आपको नस्ल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आग दिखाना चाहूँगा आपको, मतलब आग दिखाइए आप। जी नारे। ये नारे। जी आप देख सकते हैं बिल्कुल कागजी आँखें और ललसरे भी निकलते हैं इसके अंदर से, अम्बलसरे भी निकलते होंगे। सारी नस्ल बना देगा ये एक कबूतर। तो ये कलर का खेल है। और इसके पर और दिखा दीजिए, ये पर है प्योर ब्रीडर पर में से, ये परों से पता लग जाता है कि ये ब्रीडर कबूतर है या उड़ान वाला है। चलिए इसकी मादर का शौक करते हैं अपन। मोना भाई इनके बच्चों ने क्या रिजल्ट दिया है? एक नंबर। मज़ा है? जी मज़ा है। काली आँख के जबकि भोपाल के अंदर बहन है, लेकिन जो शौक होता है वो किसी भी कबूतर से हो सकता है, वो किसी को भी हो सकता है। और इतनी कम उम्र में इतने बेहतरीन कबूतर रखना, वाकई मोना भाई को सैल्यूट है। और आज बनो भोपाल की आवाज़ भाई आपको इन ललसरे कबूतरों का देखने को मिल रहा है। चले इनको नीचे छोड़ के और दिखाते। और दोस्तों ये जितने भी कबूतर हैं, चाहे यहाँ पे ब्रीडर कबूतर हों चाहे बच्चे हों, सब उड़ते हैं यहाँ पे कबूतर। मोना की छत पे देखिए आप, सीधे ऊपर जाते हैं ये, पास में जो टावर बना हुआ है यहाँ पे सारे कबूतर बैठते हैं और सब उड़ान भर लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्रीडर कबूतर है तो इसने पर काट के रखे, ये यहाँ पर सारे कबूतर उड़ते हैं। तो चलें अपन दूसरे कबूतर का शौक करते हैं। ये भी इसी के बच्चे हैं? जी जी इसी के। अच्छा पूरी नस्ल आज इन्हीं के दिखाएंगे आज। इसके साथ वाला ऊपर क्या ऊपर बैठा हुआ है, उतर नहीं रहा है वो। यार देख सकते हैं आप, और दिखा दीजिए इसके ज़्यादातर पीले निकलते हैं इसमें जी, क्योंकि नर और मादिन दोनों के अंदर कई कबूतरों का मेल है, तो ये कई नस्लें बना देंगे। ये कई तरीके के अलग अलग कबूतर निकाल सकते हैं, ये बस ब्रीडिंग के ऊपर है कि ब्रीडिंग कितनी ज़ोरदार करा सकते हैं आप।
उन्हीं के बच्चे हैं। अच्छा, आगे पीछे के? जी जी, आगे पीछे के लगा रखेंगे जी। आप देख सकते हैं कंजी आँख है, ये कागजी आँख जिसे बोला जाता है। इनके जो रेटिना है वो इजीली दिख जाए तो ये कंजी आँखों में आते हैं या कागजी आँखें बोलते हैं। और अगर आँखों का रेटिना नहीं दिखे तो इसका मतलब मक्खू कबूतर है। तो आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन जोड़े, और जो सबसे पहली जोड़ दिखाई दी उन्हीं के बच्चे हैं जी। मतलब साइज भी बाप के ऊपर आया है इसका जी। वो तो कई साइज में भी निकालेंगे, ओढ़ने वाले अलग निकालेंगे, ब्रीडर अलग निकालेंगे। ये देख सकते हैं आँख पर, वो देखते हैं ऊपर, देखिए बहुत बेहतरीन ये वाली माला बच्चे भरा रही है अभी। मोना बहुत अच्छी ब्रीडिंग करवाता है और उड़ाता भी बहुत अच्छा है, ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी कराता है। तो ये ऑल इन वन है। शुक्रिया। देख सकते हैं माजिन पर, और देखते चले नीचे छोड़ के देखते। देख सकते हैं आप नर का वजूद, देख सकते हैं बड़े साइज है, बहुत किंग साइज नर। मादिन सीधे ऊपर जाके बैठ गई क्योंकि मादिन छुट्टी लगा रखी है ताकि सही वजूद में कबूतर निकले जी। चले इसके बाद और आपको सारे बच्चों का एक साथ शोक कराएंगे इनके, और एक मादिन का शोक वो करा देते हैं। उससे पहले आपको जो अभी जोड़ दिखाई थी जो अभी जो जोड़ दिखाई थी उसकी बच्ची है ये वाली। तो ये देख सकते हैं कागजी आँख में है ये भी, पर और दिखा दीजिए। नीचे छोड़ देते हैं, बहुत मोना भाई इसके जितने बच्चे हैं ना सारे आप एक बार खोल के दिखा दें। ऊपर चले जाएंगे? कोई बात नहीं, ऊपर चले आए, यहाँ पे नीचे नीचे से ऊपर जाएंगे वो। यहाँ से खोलना है, सारे निकालते ना।